हम लोग जो है ब्रेक में ज्ञात हो आपको कि अभी 10 तारीख को मौलाना तौकीर ने कहा है, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उस बयान को लेकर मौलाना तौकीर ने धमकी दी है कि हम नुपुर के खिलाफ जो है इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करेंगे। उसी को लेकर के आज हमारे अखंड भारत गौरव ट्रस्ट के पदाधिकारी आदरणीय कप्तान साहब से मिलने आए हैं कि 10 तारीख को यदि वो इस्लामिया ग्राउंड में अपना कार्यक्रम करते हैं और शासन अगर उन्हें परमिशन देता है तो सर्वप्रथम तो धारा 144 का उल्लंघन होगा, और यदि उल्लंघन होगा तो हिंदू समाज भी अब चुप नहीं बैठेगा। मैं मोहम्मद आसिफ कमल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब क़िबला ने जो 10 जून को इस्लामिया इंटर कॉलेज में धरना देने की बात कही थी, उस धरने को लेकर के हिंदू संगठनों की तरफ से तरह तरह की धमकियाँ मंजरे आम पर आ रही हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो लोग धरने पर बैठेंगे तो हिंदू समाज भी खामोश नहीं रहेगा, हिंदू समाज भी धरने पर बैठेगा, धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब क़िबला कौन सा कदम उठाएंगे, मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब क़िबला 10 जून को धरने पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। आप इंतज़ार कीजिएगा मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब क़िबला के किसी और बयान का, लेकिन मुकम्मल रुदाद इस संगठन की तरफ से जो इस शख्स ने पेश की है इसको आप मुकम्मल सुनिएगा, किस तरह की ज़हनियत ये लोग रख कर के ज़िंदगी के तमाम तरह याम गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब क़िबला की जो मांग थी वो हुकूमत हिंद से थी कि नुपुर शर्मा की गिरफ़्तारी की जाए। नुपुर शर्मा की गिरफ़्तारी अगर हो जाती है तो मामला सारा ही खत्म हो जाता है, लेकिन अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमान किस तरह से खामोश बैठेंगे या किस तरह से बेचैन ना होंगे, सोचने वाली बात यह है। दोस्तों ये खबर आप मुकम्मल देखिएगा और अपने तासुरात नीचे कमेंट बॉक्स में पेश कीजिएगा। तो धारा 144 का उल्लंघन हम लोगों की तरफ से भी होगा, तो हम शासन से पहले ये अनुरोध करने आए हैं कृपया इस कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए, क्योंकि 10 तारीख को निर्जला एकादशी भी है और दशहरा भी है। उस दिन हमारा हिंदू समाज के लोग जो है राम गंगा में गंगा स्नान करने जाते हैं, जगह जगह शहर में शरबत आदि का वितरण होता है, तो इससे कहीं ना कहीं क्योंकि जब जब भीड़ इकट्ठी हुई है तो कुछ ना कुछ उपद्रव हुआ है, तो हम ये जो है आदरणीय कप्तान साहब से निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को ना होने दिया जाए जिससे शहर में शांति व्यवस्था बने।